बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए वोटों की गिनती जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से वोटों की गिनती देर रात तक चलेगी। रात 9 बजे करीब 91% वोटों की गिनती पूरी हुई। शाम 7 बजे तक एनडीए और महागठबंधन के बीच महामुकाबला देखा जा रहा था। कांटे की टक्कर के बीच एनडीए ने 23 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि महागठबंधन को 113 सीटों की बढ़त हासिल है। रात 10:30 बजे तक चुनाव आयोग ने 243 सीटों में से 165 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए। महागठबंधन के आरोपों का जवाब देते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बिहार में उनकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्यों हार हुई, वहां तो हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। उधर बिहार में अभी भी कई सीटों पर कड़ा मुकाबला जारी है। ऐसी कई सीटें हैं जहां कभी भी नतीजे पलट सकते हैं। रात 9 बजे तक 2 सीटों पर वोटों का अंतर 200 से कम रहा, जबकि 6 सीटों पर वोटों का अंतर 500 से कम रहा। वहीं 6 सीटों पर वोटों का अंतर 1000 से कम था। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैंने लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को, गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोलेंगे आप, बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, देखिए, आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए हैं। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से, मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं जिनको डरा कर, कुचल कर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज़ बन के उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे अख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। बिहार में रुझानों में बाजी लगातार पलट रही है। शुरू में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए था तो वहीं अब एनडीए आगे चल रहा है। ऐसे में समर्थकों के जश्न पर भी असर पड़ रहा है। दोपहर को एनडीए समर्थकों ने ढोल बजाने शुरू किए, लेकिन चुनाव आयोग ने जब कहा कि अंतिम नतीजे रात तक आएंगे तो दोनों गठबंधन की ओर से अब सावधानी बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में यह देश का पहला चुनाव है। हिंदी पट्टी के लिए आम चुनावों और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बिहार तीसरा सबसे अहम चुनाव माना जाता है। इसलिए हिम्मत और दुस्साहस के बीच बड़ी संख्या में लोग निकले, रैलियां हुई और वोट पड़े। बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए की कांटेदार जंग देखने को मिली। नीतीश कुमार को 31 साल के युवा तेजस्वी यादव सीधी टक्कर दे रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल के रुझान बदलाव के संकेत दे रहे हैं। राज्य के कुल 243 विधानसभा सीटों पर इस बार 3 चरणों में हुए मतदान की मंगलवार को हो रही गिनती इस बदलाव के संकेतों का अंतिम सच सामने लाने वाली है।